नमस्कार। भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती पर आज की चर्चा में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की युवा क्षमता पर प्रकाश डाला, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा एक विपरीत प्रवृत्ति दिखाता है, जिसके अनुसार भारत का कार्यबल तेजी से वृद्ध हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE 1976 में स्थापित आर्थिक आंकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न हितधारकों को व्यापक डेटा, सुझाव और विश्लेषणात्मक क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक क्षमता को संदर्भित करता है जब कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 65 आयु वर्ग आश्रित आबादी से अधिक हो जाती है। इससे उत्पादक कार्यबल के साथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। CMIE के डाटा के अनुसार 2016-17 से हाल के वित्तीय वर्ष में युवा आबादी का प्रतिशत 25% से घटकर 17% हो गया और मध्यम आयु वर्ग 38% से घटकर 33% हो गया, जबकि वरिष्ठ आयु वर्ग 37% से बढ़कर 49% हो गया। कुल मिलाकर नियोजित व्यक्ति 41.27 करोड़ से घटकर 40.58 करोड़ हो गए और युवाओं की रोजगार में हिस्सेदारी 10.34 करोड़ से घटकर 7.1 करोड़ रह गई है। बढ़ती जनसंख्या के बावजूद रोजगार में कम युवाओं की भागीदारी के कारण कार्यबल की बढ़ती उम्र समस्या पैदा कर रही है। 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में युवा आबादी 35.49 करोड़ से बढ़कर 38.13 करोड़ हो गई, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों की संख्या 3.24 करोड़ कम हो गई। अतः रोजगार दर 29% से घटकर 19% हो गई है। साथ ही 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में भी रोजगार दरों में गिरावट आई है। हालांकि 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में रोजगार दर में सबसे कम गिरावट आई, लेकिन उनकी कुल संख्या में वृद्धि हुई। यह विश्लेषण वृद्ध कार्यबल की ओर देश की अर्थव्यवस्था के बदलाव को भी दर्शाता है। बढ़ती युवा आबादी के बावजूद युवा रोजगार के अवसर अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा में कौशल एवं आवश्यक सक्षमता का अभाव युवा बेरोजगारी के लिए चिंता का एक विषय बन हुआ है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि नीतियों को जनसांख्यिकी के अनुरूप होना चाहिए। कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शासन महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती एक उभरता हुआ मुद्दा है, जिसके लिए इसकी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए केंद्रित नीतियों की आवश्यकता है। धन्यवाद।